let's tell you a little bit more about the rising tensions between china and india at the border. china's repeated violations of india's territorial integrity has now been threatening peace for almost a month. right now, indian troops are locked in a standoff in ladakh, and china's people liberation army has planted tents and positioned troops on the indian territory. earlier, we on spoke to india's defense minister, rajnath singh. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हीस अबाउट इंसिडेंट्सिंग एट दॉर्डर एंड ऑफ दूजन घुसपैठ क्या जो हमारी जानकारी है वो यलए सी के कुछ जो पहले बहुत दूर एक्सरसाइजेज किया करते थे वह कुछ एलएसी काफी नजदीक आ गए हैं लगभग जो मुझे बतला गया दस बारह किलोमीटर दूरी पर है एलएसी से टूअर्ड्स चाइना और एक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे फिर वहां पर फेसाफ हुआ था फिर चले गए थे यहां पर पहले नहीं थे कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं ऐसी स्थिति है मैंने डिप्लोमेट का जहां तक मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है छह तारीख को भी हेल हायर लेवल के जो आप जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच भी बात होने जा रही है उनको कोर कमांडर या क्या कहते हैं कुछ इस लेवल पर उनसे बातचीत होने जा रही है और साथ ही साथ ही हाँ, हमारे जो अम्बेसडर इस समय चाइना में है उनकी भी वहां के फॉरन सेक्रेटरी के से साथ भी बातचीत हुई है कुछ दिन पहले आपने चाइना के राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा उनका भी आया था कि हम बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं उनकी तरफ से भी पहल है इसीलिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है ना इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है ना